Hey everyone, this is Ankit Raj. Welcome to the YouTube channel StudyX IITJ. Land and a circle में हमारा अगला टॉपिक है जो कि हम आज डिस्कस कर रहे होंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है? एक पॉइंट से अब दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पर. ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, दोनों पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ज्वाइन करने वाले लाइन को ही हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. ठीक है, सपोज ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन ए बी लाइन ही हो गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. हमें देखिए PA का सेपरेट इक्वेशन, PB का सेपरेट इक्वेशन निकालने आते हैं. कैसे? टेंजेंट टू द सर्कल एट अ गिवन पॉइंट. सपोज A पॉइंट है आपका x2 कॉमा y2, ठीक, B पॉइंट है x3 कॉमा y3. तो टेंजेंट एट अ पॉइंट का इक्वेशन हम कैसे निकालते थे? सपोज अगर x2 y2 है ना पॉइंट, यहां पे निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अगर x2 कॉमा y2 है तो हम लिखेंगे x x2 plus y y2 plus g x plus x2 plus f into y plus y2 और constant को as it is रखें. ठीक है, similarly हम pb का भी separate equation obtain कर सकते हैं. और मैंने last lecture में p और pb का joint equation लिखने भी सिखाया था. कैसे? s s1 equals to t square. ठीक, okay, अब हमें chord of contact का equation निकालना है. अच्छा, पहले p और pb का equation लिखते हैं. equation of pa और इक्वेशन ऑफ पीबी लिखो. पीए का इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स एक्स टू प्लस वाई वाई टू प्लस जी एक्स प्लस एक्स टू प्लस एफ वाई प्लस वाई टू प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, पीबी का भी इक्वेशन सिमिलरली लिख लो. एक्स एक्स थ्री प्लस वाई वाई थ्री प्लस जी एक्स प्लस एक्स थ्री प्लस एफ वाई प्लस वाई थ्री प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, अब मजे की बात क्या है, ये पॉइंट पी दोनों को सेटिस्फाई कर. ठीक है, पॉइंट पी पीए को भी सेटिस्फाई करेगा, पीए वाले इक्वेशन को भी और पीवी वाले इक्वेशन को भी. तो सेटिस्फाई करा दो तो पी एक्स वन कॉमा वाई वन. ठीक है, सेटिस्फाई कराते हैं तो आया एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू प्लस जी x1 प्लस x2. ओके, अब pb को भी तो सेटिस्फाई कर रहा होगा ना पॉइंट p, तो उसको भी सेटिस्फाई कराते हैं तो क्या आ जाएगा? x1 x3 प्लस y1 y3 प्लस g x1 प्लस x3 प्लस f y1 प्लस y3 प्लस c इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, ये आ गया. अब इन दोनों को देखो, ऑब्जर्व करो ढंग से. ठीक है, थोड़ा सा रिवर्स. ओके, अब क्या करो ना, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो क्या दिखता है. कुछ दिखा? दोनों अलग अलग इक्वेशन में, एक बार इस इक्वेशन में x2 कॉमा y2 के जगह पे xy रिप्लेस करो और इसमें x3 कॉमा y3 के जगह पे xy रिप्लेस करो तो सेम ही इक्वेशन दिखेगा. और वो सेम इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखो, एक्स वाई के जगह आप रिप्लेस करो एक्स टू वाई टू से या फिर एक्स थ्री वाई थ्री से. ठीक है, ये दोनों आ गया. यानी ये जो इक्वेशन है इसको पॉइंट ए x2 कॉमा y2 एंड पॉइंट बी x3 कॉमा y3 दोनों सेटिस्फाई कर रहे होंगे. ठीक, तो एक लाइन का इक्वेशन है उसको दो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं. ठीक है, एक लाइन है. ठीक है, उसको ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये पॉइंट भी. यानी वो लाइन ही तो ए बी है ना. इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला कोई और लाइन हो सकता है क्या यूनिवर्स में? नहीं. यानी हमें ये क्या मिला? AB का इक्वेशन जो कि क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. तो यही है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट AB. ठीक है, प्रूफ समझे? ये स्टेप प्रूफ के लिए, ये यहां से ऑब्जर्व होना चाहिए था आपको. ठीक है, अच्छा इसको आप t इक्वल्स टू जीरो नहीं कह सकते हो क्या? इसको आप t इक्वल्स टू जीरो भी तो कह सकते हो.
अंतर क्या है? जब वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस वाला पॉइंट हम रखते हैं ना टी इक्वल्स टू जीरो में, तो क्या आता है? टेंजेंट टू द सर्कल एट अ गिवन पॉइंट। लेकिन अगर कोई आउटसाइड पॉइंट रखोगे तो टी इक्वल्स टू जीरो से क्या मिलेगा आपको? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये याद रखना, टी इक्वल्स टू जीरो से टेंजेंट लाइन भी मिलता है और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट भी मिलता है, लेकिन डिपेंड करता है अगर वो पॉइंट सर्कल पे ही लाई कर रहा है तो हमें क्या मिलेगा? टेंजेंट। और अगर वो आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है तो क्या मिलेगा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक, ओके। अच्छा, आपको ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ निकालने आता है क्या? कैसे निकालोगे? ये एक लाइन है जिसका कि इक्वेशन आपको पता है, तो उसका ये सेंटर वाला जो पॉइंट है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल सकते हो या नहीं, और ये 90 डिग्री है। ठीक, तो ये क्या आ गया? रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये पूरा ए बी का लेंथ क्या हो गया? 2 × √R² - P² अच्छा, ये परपेंडिकुलर क्यों है और ये बाइसेक्टेड क्यों है? क्योंकि सेंटर से ज्वाइन करने वाला कोई भी लाइन ये डायमीटर रहा होगा। ठीक है, इधर भी एक्सटेंड कर दो तो। और हम जानते हैं सर्कल के किसी भी कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना वो डायमीटर होता है, या फिर कहते हो डायमीटर जो होता है कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो ये डायमीटर है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक, ठीक है। और अगर आपको दूसरा तरीका भी आता है ना, वही R² - P² 2 × √R² - P² से ही आता है कि अगर ये y=mx+c है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से निकाल लेते हैं, और फिर सर्कल का आपको रेडियस मालूम है तो फिर उस तरह से करके निकालते हैं। ठीक है, मैंने सिखाया था लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बाय अ सेकेंड, जो कि क्या आता था, जो आ रहा होता था आपके पास 2 × √A² (1+m²) - C² (1+m²). ठीक है, ठीक है, नोट करो। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे, वो नोट करके लिखवा देता हूं आपको, नोट कर लो अच्छे से। प्रूफ नोट कर लो, प्रूफ समझना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रूफ समझ लो, ये स्टेप की क्रूशियल है। ठीक है, ठीक है, नोट करो। एक्चुअली जो भी मैं 4-5 नोट, इनफैक्ट प्रिसाइजली 5, ठीक है, जो भी 5 नोट लिखाऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहला पॉइंट है, चलो इसको सेंटर को मैं, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -g, -f। तो पहला पॉइंट है ना कि पी ए एंड बी, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के एक्सट्रीमिटीज और पॉइंट पी जहां से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ये तीनों लाए ऑन अ सर्कल। ठीक है, और वो सर्कल, ठीक है, संजोग से क्या हो रहा है ना, ओ से भी पास कर रहे हैं। ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं पी ए ओ बी, पी ए ओ बी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्योंकि इन सब पॉइंट को एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, प्रूफ क्या है इसका, ज्वाइन कर दो। ठीक, ज्वाइन कर दी। अब ये टेंजेंट है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90, ये भी 90, तो ये दोनों का सम 180, तो ये दोनों का सम बाय डिफॉल्ट हो जाएगा 180। तो जब अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो ये डेफिनेशन ये कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। अब मैं अगर इस सर्कल का, जो भी ये सर्कल आएगा, ठीक है, जो भी ये सर्कल आएगा, इसका मैं अगर आपको इक्वेशन लिखने बोलूं, लिख पाओगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल पीएपी। तो हमें क्या पता चल गया कि जो पी ए बी ट्रायंगल है, इसको जो सर्कमस्क्राइब कर रहा होगा जो सर्कल, वो संजोग से सेंटर से भी पास कर रहा होगा, और उस सेंटर का मेरे को कोऑर्डिनेट मालूम है। ठीक है, और एक पॉइंट देखो, ये जो है ओपी, ये इसका क्या है, सर्कल का सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है, तो ओपी जो है वहां पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, यानी ओपी क्या है, डायमीटर है। इस बात को समझ रहे हो कि ओपी डायमीटर क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है सर्कमफेरेंस पे। ठीक है, वो सर्कल मैंने आधा दूरा बस ऐसे ही ट्रेस करा, इसलिए तुम्हें नहीं पता चल रहा होगा। अच्छा ये देखो,
जो ओपी है ना, ये डायमीटर है इस सर्कल का। कैसे? तो देखो ओपी जो है पॉइंट ए पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, ये दिख रहा है तुमको कि ओपी जो है वो ए पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है और ए जो है सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है। और हम जानते हैं सर्कमफेरेंस से किसी पॉइंट पे 90 डिग्री कौन सा कॉर्ड सबटेंड करता है, बस एकमात्र डायमीटर। ठीक है, एक्चुअली वो डायमीटर इनफाइनाइट है सर्कल में, लेकिन जो कॉर्ड होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर वही 90 डिग्री सबटेंड कर रहा होता है सर्कमफेरेंस पे। तो डायमीटर क्या हो गया? ओपी। अब डायमीटर क्या हमें एंड पॉइंट मालूम है, तो हमें इक्वेशन भी मालूम है ना सर्कल का, क्या हो जाएगा इक्वेशन एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस ऑफ माइनस जी यानी एक्स प्लस जी प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई प्लस एफ इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, ओपीए और ओपीबी ये जो दो ट्रायंगल है ना, इसमें कन्ग्रुएंट आप प्रूव कर सकते हो इन दोनों को। कैसे? 90 डिग्री, फिर ये जो ओपी है ये कॉमन, और जो एपी एपी है ना, एपी एपी या पहले ये देख लो ओए और ओबी ये रेडियस, तो आर एच एस से ये कन्ग्रुएंट हो गया। तो इससे दो बात प्रूव हुआ, एक पी ए इक्वल्स टू पी बी और दूसरा एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी। ठीक है, क्लियर है? ये सर्कल वाला ही मिटा देता हूं, इससे काफी कंफ्यूज कर रहे हो गए आप। ठीक, अब देखो ट्रायंगल एपीओ, ये दोनों ट्रायंगल जो है इसमें देखो ये आर ये भी आर और ये ओपी कॉमन, ठीक है, और 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री है और आपको दो साइड आपको मिल गए इक्वल, क्या हो जाता है? आरएचएस आ जाता है। ठीक है, हमारा आरएचएस कंग्रुएंसी से हमें प्रूफ हो जाता है कि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। तो बाय सीपीसीटी हमें क्या मिला? ये दोनों एंगल बराबर होगा। ठीक है, अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ठीक, और ये एंगल भी बराबर होगा क्योंकि ये एंगल 90 माइनस अल्फा तो ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा, और ये दोनों टेंजेंट जो होंगे पी ए इक्वल्स टू पी बी, ये मिल गया। अब लास्ट पॉइंट, ओके, अब लास्ट पॉइंट, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल पाओगे क्या? वो बहुत सिंपल है, हाफ इंटू अगर इसे मैं एल बोलूं, और एल क्या होगा? रूट एस वन, ठीक है, और ये आर, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ आर एल, ये हो जाएगा इसका, तो दो ऐसे हाफ आर एल, तो क्या हो जाएगा एरिया? आर एल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी एओ बी इक्वल्स टू आर एल, जहां पे आर रेडियस है और एल क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट एल इक्वल्स टू रूट एस वन। ठीक है, क्लियर? अब अच्छा, अगर इस पॉइंट को मैं सी बोल दूं, तो आप इस पी ए बी जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल पाएंगे क्या? पी ए बी का एरिया निकाल पाएंगे आप या नहीं? बहुत इजीली निकलेगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो, निकल जाएगा। इतना पहले आप अच्छे से नोट करो, फिर पांचवा पॉइंट लिखाता हूं। नोट कर लिए? ओके, तो पांचवा पॉइंट क्या है? हमें एरिया निकालना है ऑफ ट्रायंगल पीएबी। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी ये क्या होगा? हमें ये मालूम है ये एल है और ये आर है। हमें क्या क्या दिया हुआ है? पीए इक्वल्स टू पीबी इक्वल्स टू एल, और एल क्या हो जाएगा? रूट एस वन। ठीक, और हमें मालूम है ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू रेडियस। ठीक, तो एरिया क्या हो जाएगा? अगर ये पॉइंट सी है तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू पी सी इंटू ए बी। ओके, अब यही तो गेम है, पी सी निकालो ए बी निकालो। पी सी क्या आ जाएगा? एल कॉस अल्फा, अगर ये अल्फा है तो ये हो जाएगा एल कॉस अल्फा, हाफ इंटू एल कॉस अल्फा।
इनटू एबी क्या हो जाएगा? अच्छा एबी का आधा एसी क्या हो जाएगा? आर। अगर ये अल्फा है तो देखो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा ना। अगर ये अल्फा है तो इस ट्रायंगल में ये 90 माइनस अल्फा और सम 90 है, तो ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा। सी ए ओ, एंगल सी ए ओ इक्वल्स टू अल्फा। कैसे लाया हमने? ठीक है, दिख रहा है ना आपको? ठीक। तो अगर ये अल्फा है तो एसी क्या आ गया? आर कॉस अल्फा। ओके, तो ए बी क्या आ जाएगा? 2R cos अल्फा। 2 2 निपटाओ तो ये एरिया क्या आ गया? LR cos² अल्फा। 2 2 निपटा लिए। LR cos² अल्फा। ठीक, अब ये cos स्क्वायर अल्फा ही तो निकालना है। तो ट्रायंगल PAO में, ट्रायंगल PAO में देखो टेन अल्फा क्या आ रहा है? टेन अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी आर बाय एल, तो टेन अल्फा इक्वल्स टू आर बाय एल। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? एल अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही आएगा कॉस अल्फा। दिख रहा है? ओके, तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो रहा है? एल इंटू आर इंटू एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? एल क्यूब आर। तो एरिया आ गया आपका आर एल क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जहां पे आपको आर भी मालूम है और एल भी मालूम है, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन मालूम है और आपको ये पॉइंट दिया हुआ है, तो आप पावर ऑफ पॉइंट निकाल लोगे S1। तो L क्या है? L इक्वल्स टू रूट S1। ठीक है, लिख लो कहीं। हाँ लिखा हुआ ही है। और R क्या हो जाएगा? R हो जाएगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, तो एरिया क्या आ गया? आर एल क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फॉर्मूला याद करना मुश्किल है, जो लोग याद कर सकते हो याद कर लो। ठीक है, मुझे पता है 90% लोग नहीं याद कर पाएंगे, तो प्रोसीजर ध्यान से देख लो। प्रोसीजर में हमने क्या करा? हाफ इंटू पीसी इंटू ए बी होगा, उसके बाद पीसी हमने कैलकुलेट करा एल कॉस अल्फा। ओके, और उसके बाद आर कॉस अल्फा आ गया ए सी, और 2 टाइम्स ए सी क्या हो जाएगा? ए बी, वो क्या हो जाएगा? 2R cos अल्फा। उसके बाद ट्रायंगल पी ए ओ में हमने टेन अल्फा निकाला आर बाय एल। ठीक है, टेन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, और उससे कॉस अल्फा निकाल लिया। ठीक, ये निकालने आता है ना टेन अल्फा से कॉस अल्फा कैसे पहुंचते हैं, तो पहुंचने का तरीका है ये पी बाय बी है, तो मैं P को R इंटू के कुछ बोल सकता हूं और B को L इंटू के। ठीक है, लेकिन चूंकि हमें बस सॉल्व करना है ना, तो R ही मान लो P को और B को L ही मान लो। उसके बाद cos अल्फा क्या हो जाएगा? उसके बाद cos अल्फा क्या हो जाएगा? B अपॉन रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी। हम जानते हैं पाइथागोरस, ठीक है, वो अप्लाई कर देंगे, तो उससे हम पहुंच गए एरिया आ गया आर एल क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? क्लियर है ना फॉर्मूला? नोट कर लो, नोट कर लो। ओके, नोट कर लो। ओके, तो ये दो क्वेश्चन है, करो क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद खुद से सॉल्व करो। पहला तो बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड है और दूसरा भी लोकस का क्वेश्चन है, और लोकस का क्वेश्चन मैं मानता हूं काफी आसान होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा भेजा फ्राई नहीं करना होता है। ठीक है, सिंपल जो बोल रहा है, ठीक है, वो लिखो मूविंग पॉइंट मान लो, जिसका लोकस पूछे उसी को मूविंग पॉइंट मान लो h कॉमा k, उसका जो कंडीशन लग लूगा कि ठीक है जो आ जाएगा लास्ट में, उसमें h को x से k को y से रिप्लेस कर देना, वही आंसर है। ठीक, चलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सी ओ सी ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम 1, 2 टू द सर्कल। ठीक है, मैंने क्या बताया था? अगर ये एक आउटसाइड पॉइंट है, जो कि ये है, ठीक है, इसमें पुट करो तो पॉजिटिव वैल्यू बिल्ड कर रहा होगा। ठीक है, पावर ऑफ पॉइंट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो यानी वो एक आउटसाइड पॉइंट है। देख लो 1 + 4 = 5, 5 - 2 = 3, 3 + 8 + 7। ठीक है, पॉजिटिव ही आ रहा है तो यानी ये एक आउटसाइड पॉइंट है। अगर इस मोमेंट पे हम t इक्वल्स टू 0 अप्लाई कर देते हैं तो ये हमें क्या देगा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन आता है t इक्वल्स टू 0।
विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट 1, 2, ठीक है। तो t को जीरो क्या होता है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ओके क्लियर है। अब x1 के जगह पे 1, y1 के जगह पे 2 पुट कर दो, तो x प्लस टू वाई प्लस जी एक्स प्लस वन प्लस एफ वाई प्लस टू प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। क्लियर। तो ये क्या आ गया, और g क्या है, g और f c क्या है, g f c भी तो हमें पुट करना है। g क्या है, माइनस वन, एफ क्या है अपना टू, और सी क्या है सेवन। ठीक, सॉल्व करो इसको तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू वाई माइनस एक्स माइनस वन प्लस टू वाई प्लस फोर प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो फोर वाई इक्वल्स टू टेन, फोर वाई इक्वल्स टू टेन, या कहें y इक्वल्स टू माइनस फाइव बाई टू। ओके, एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल्स टू माइनस फाइव बाई टू, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, अगला क्वेश्चन करो लोकस वाला, ये अच्छा क्वेश्चन करो, ये नोट कर रहे हैं तो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर टू, थोड़ा ठीक क्वेश्चन। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, एक कोई कॉर्ड है तो कॉर्ड के एक्सट्रीमिटी पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसी का लोकस पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर। तो इसी को मान लो एच कॉमा की, ओके, मूविंग पॉइंट ये हो सकता है ना P, कहीं भी हो सकता है, कोई भी आउटसाइड पॉइंट, उससे आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, और क्या कंडीशन दिया हुआ है, ये जो कॉर्ड है ये इस सर्कल को टच कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो टच का कंडीशन क्या लगा देंगे हम, पी इक्वल्स टू आर। तो पहले तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिखो आप, अगर ये h, k एक मूविंग पॉइंट है तो इसके रिस्पेक्ट में आप निकाल दो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन, जो कि क्या हो जाएगा, एच एक्स प्लस के वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, यही आएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन। ओके, अब एक कंडीशन दिया हुआ है कि कॉर्ड ऑफ सर्कल टचेज द सर्कल, ठीक है, ये जो कॉर्ड है ये किसी दूसरे सर्कल को टच कर रहा है, मालूम है ये किसी दूसरे सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, इस लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन यही है। अब इसका सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, यानी ए कॉमा जीरो। तो जस्ट टचिंग का कंडीशन क्या होता है, जस्ट टचिंग का कंडीशन होता है पी इक्वल्स टू आर, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो एक्चुअली में रेडियस होगा। तो पी इक्वल्स टू आर वाला कंडीशन सेट लगाओ, लाइन का ए कॉमा जीरो से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एच ए प्लस के इंटू जीरो, जो कि जीरो होगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू, रेडियस क्या है इसका, रेडियस क्या होगा, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी है ए, ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, यानी ए स्क्वायरिंग कर लो, ठीक है, उसके बाद एच को एक्स से के को वाई से रिप्लेस कर देना, क्या आ जाएगा लोकस, स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, तो एच ए माइनस ए स्क्वायर, तो ए कॉमन लेके ए स्क्वायर इंटू एच माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये है। ठीक है, ए स्क्वायर निपटा दिए, पॉजिटिव है, निपटा ही सकते हैं, तो रिप्लेस कर देते हैं एच को एक्स से और के को वाई से,
ये आ गया लोकस ऑफ पॉइंट। इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक्स स्क्वायर निपट लेगा, ठीक है, थोड़ा और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जो कि आप कर लेना, नोट कर लो।